इंसान कामयाब जब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने नए सब्सक्राइबर और यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को और व्यूवर्स को आज एक बात और बताना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि आपका क्या लेवल है, या आपकी क्या सर्जरी है, या आपकी क्या परेशानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं एक सर्वाइकल का पेशेंट हूँ। मेरी C5, C6, C7 तीन लेवल पर इंजरी हुई थी और काफी क्रिटिकल इंजरी थी। मेरी गर्दन टूट के बिल्कुल इस तरह से लटक गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था बिल्कुल कि इनका 2-3 दिन भी बचना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने ऑपरेट करा लिया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से ही मैंने अपनी सर्जरी कराई थी। टॉप का ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि मैंने छोटे मोटे हॉस्पिटल से सर्जरी कराई। ये चीज इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने सर्जरी नहीं कराई, या आपने सर्जरी कराई तो आपने गलत कराई, या आपने लेट कराई। तो अलग अलग माइंड के अलग अलग क्वेश्चन है, मैं इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं आज की वीडियो के लिए, वीडियो किस लिए बनाई, बात लंबी हो गई। वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि आप लोग कहते हैं कि हमें कोई बेसिक एक्सरसाइज की वीडियोज बनाए। देखिये मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे डॉक्टर्स मेरे को क्या क्या कराते हैं, वो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी करते हैं तो पहले अपने किसी डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइप की है नहीं है, कोई ज्वाइंट आपका जुड़ तो नहीं गया है, कोई हिप्स का, लेग्स का, या फिर नीज का, एंकल का, या फिर एल्बो वगैरह आपके अगर कोई ज्वाइंट जुड़ गया, अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। अगर फ्लेक्सीबल बॉडी है तो आप करें, अदरवाइज पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दूसरा एक चीज और बताऊंगा, देखिए मैंने आप लोगों के कमेंट्स और डिमांड के ऊपर, अब मैं पिछले संडे भी 4 बजे लाइव आया था अपने यूट्यूब चैनल पर और हर संडे अब मैं 4 बजे लाइव आया करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठ के ये वाला एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, जिससे कि स्ट्रांग हो जाए। आप सुबह उठेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के करने के बाद में ना ही कोई घबराहट होगी, ना ही कोई चक्कर आएंगे, ना ही कोई बेचैनी होगी और अपर लिम आपका बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। मैं डेली ये एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मेरी वाइफ मेरे को एक्सरसाइज करा रही हैं तो इनको हल्का सा पुशअप करना होता है, बाकी सारी एक्सरसाइज मैं खुद कर लेता हूँ अपने आप। इसीलिए आप मेरी वीडियोज़ में देखना कि ये अपर लिम स्ट्रांग है। और दूसरा देखिए, मैं पिछले 9 साल से रेगुलर 2 टाइम फिजियोथेरेपी तो डॉक्टर से ली मैंने 8 साल लगभग, और 1 साल से रेगुलर 1 टाइम में डॉक्टर से फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ। और डॉक्टर भी देखिए कोई ऐसे वैसे नहीं है, ब्रांडेड डॉक्टर हैं, डिग्री वाले डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर ऐसे नहीं है झोला छाप डॉक्टर से मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। ये चीज़ भी इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जब 10 साल से रेगुलर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं डॉक्टर से तो आपकी रिकवरी क्यों नहीं आई। तो देखिए, रिकवरी आना और ना आना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम कोई ऊपर वाले तो है नहीं कि हम डिक्टो उसके जैसे बना देंगे, या कोई बंदा ऐसा है कि मट्टी का या प्लास्टिक का, लोहे का कोई आदमी बना के उसके अंदर जान डाल सकता है, नहीं डाल सकता। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी रिकवरी इतनी आ चुकी है, देखिए कि मैं बिना सपोर्ट के बैठा हूँ और ये सारी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, जबकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे बिल्कुल भी। देखिए डॉक्टर ने जबकि बिल्कुल ही मना कर दिया था मेरे को कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे, बैठना तो बहुत दूर, इनका हाथ भी मूवमेंट पे नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा मेरे को विजिबल, आप लोग पूछते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पैरों में सेंसेशन है नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं अपने डॉक्टर्स को भी बताता हूँ कि मेरी इंटरनल बॉडी के अंदर पूरी सेंसेशन है, मेरे को मोशन का 100% पता चलता है, यूरिन का 100% पता चलता है, पेट में पेन होने का पता चलता है, कमर में पेन होने का पता चलता है, पैरों के अंदर दर्द होने का भी पता चलता है मेरे को, एक एक मसल्स के अंदर पता चलता है। वो सिर्फ विजिबल नहीं है, इंटरनल मेरी बॉडी फुल स्ट्रांग है, फ्लेक्सीबल है, वर्क कर रही है, पूरी बॉडी वर्क कर रही है मेरी, ऐसा नहीं है वर्क नहीं कर रही, सारी वर्क कर रही है, मेरा बस विजिबल नहीं है, वो भी हो जाएगा, उसके ऊपर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाले चाहिए तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपने ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये बहुत हल्के हाथ से करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर लगा के करनी है। अगर आपको लगता है कि प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो बहुत हल्के हाथ से करें,
उसकी हल्के हंसे करने का रीज़न सिर्फ यही है, कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी बॉडी में किसी पार्ट का कहीं का कोई जॉइंट खुल जाए या टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जानी है। 6-7 महीने के लिए आप फिर दिक्कत में परेशानी में पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी एक्सरसाइज करें हल्के हाथ से करें, और करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज जो है इससे क्या है कि थाई के अंदर की मसल्स आएंगी, आप अगर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो थाई के अंदर की मसल्स आ जाएंगी, पैर अंदर बाहर खोलना आ जाएगा, ये फीलिंग आएगी। अच्छा, जो भी एक्सरसाइज आप करें या करवाएं, डॉक्टर से करवाएं या खुद करें, तो आप उस टाइम पूरा माइंड आपका एक्सरसाइज के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि आपके ब्रेन को सिग्नल पहुँचे। देखिए एक्सरसाइज करने का मेन रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि हम डॉक्टर से हाथ पैर हिलाएं या घर वाले से हाथ पैर हिलवाएं और छुट्टी एक्सरसाइज होगी, नहीं, आप अपने आप को इस एक्सरसाइज में बिल्कुल परफेक्ट बना लेना है, ब्रेन से कनेक्टिविटी जुड़ानी है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ही सिग्नल पहुंचना चाहिए, तभी हमारी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि कोई बंदा करा रहा है तो बस करा रहा है और आप आराम से मज़े में एक्सरसाइज करा रहे हैं, नहीं, अपने ब्रेन को बिल्कुल वहीं पे पहुंचा दीजिए आप, कि ऐसा फील होना चाहिए आपको कि मैं कर रहा हूँ। 1 या 2 दिन नहीं लगेगा ऐसा, उसके बाद में धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और यही फीलिंग हमें लेके आनी है, ब्रेन को सिर्फ यही चीज़ याद दिलानी है। अब ये वाली एक्सरसाइज है, जैसे गैस कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें भी आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हिप्स की और कमर की सारी मसल्स आएंगी, कमर का बैलेंस आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कमर के बैलेंस के लिए या गैस पास कराने के लिए कैसे करें, ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक्सरसाइज ये है, आप जब अंदर बंद करें तो आप ये दिमाग से कोशिश करें जोर लगाने की कि मैं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक देखना आपका पेट अंदर प्रेस हो जाएगा, और बाहर खोलेंगे तो बाहर पेट आ जाएगा। ये यूरिन के कंट्रोल, मोशन के कंट्रोल की भी एक्सरसाइज है, आप अगर इसको करेंगे तो आपका यूरिन मोशन कंट्रोल आएगा, क्योंकि यूरिन आप इसमें एक चीज़ और देखिए, जब ये वाली एक्सरसाइज हो रही है तो वर्क हो रहा है यूरिन मोशन की जगह पे, हिप्स के पास की मसल्स आ रही हैं, यूरिन मोशन के जगह के पास की मसल्स आ रही हैं। तो इसी तरह सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये वाली एक्सरसाइज है हमारे पेट के साइड की, कमर के साइड की। खाना डाइजेस्ट तो देखिए होता ही है एक्सरसाइज करने से, उसके अलावा मसल्स के अंदर टोन भी आने लगती है। अब ये बहुत हल्का सा असिस्ट कर रहे हैं मेरे को, हल्का सा हाथ लगा रहे हैं, बाकी ये सारी एक्सरसाइज मैं खुद कर लेता हूँ। देखिए करवट भी मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाता करवट मैं, आपको मेरे ऊपर के मतलब अपर लिम से लग रहा होगा कि हाँ स्ट्रांग है अपर लिम मेरा। हल्का सा ऐसे आप अपने पेशेंट को इस तरह से प्रेशर लगा के, 2-4 दिन आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा और पेशेंट को भी अजीब लगेगा, बट आप रेगुलर अगर 1 हफ्ता ये एक्सरसाइज कराएंगे तो आपका पेशेंट भी ऐसे इंडिविजुअल बैठ जाएगा। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और करनी है, जो भी एक्सरसाइज आप करें खुद प्रेशर लगाने की कोशिश करें, पेशेंट खुद प्रेशर लगाएगा तभी उसको फीलिंग आएगी, पावर आएगी और उसके रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये सारी एक्सरसाइज जो हैं बेसिक एक्सरसाइज हैं बॉडी को वार्म अप करने के लिए। आप अगर सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप स्ट्रांग नहीं हैं, आपके कराने वाला कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं है, तो आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इनसे भी रिकवरी आपकी आनी चालू हो जाएगी। दूसरा, आपने स्टैंडिंग तो देखिए ज़रूर करनी ही करनी है, बाकी ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ ना जाएं, आप पहले बेसिक एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद में बेसिक करेंगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आनी चालू हो जाएंगी। मैं भी इस तरह से पहले नहीं उठ पाता था, नहीं बैठ पाता था, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आने लगी हैं। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको फीलिंग आने लग जाएगी, आपको लगेगा कि यार ये सब चीज़ें तो मुझे भी पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता, 1 घंटे आधे घंटे में वो कितनी एक्सरसाइज कराएंगे, पूरी बॉडी के ऊपर वर्क करना होता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। और अगर हम उनको 2 घंटे के लिए लगाएं, 3 घंटे के लिए, तो हमारे पास भी इतना पैसा नहीं होता कि हम 2 घंटे की पेमेंट उनको 1000-2000 रुपये करें। तो जितना वो करा रहे आप उनसे कराइए, बाकी आप ऐसे करिए एक्सरसाइज, तो आपकी आने लगेगी। अब देखिए मैं जैसे बैठा हूँ तो मेरे को नॉर्मल बैठा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल बैठ के हिल भी सकता हूँ, हाथ भी छोड़ सकता हूँ अपने। और देखिए मैंने कबूतरों के लिए यहाँ पे गर्मी में ना दाने का अरेंजमेंट पहले भी कर रखा था, और अब फिर दोबारा कर दिया है मैंने, यहाँ कबूतर मक्का दाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं साइड में, देखिए फुल मज़े। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें,
और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और घंटी को ऑल कर लिया करें। तो मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट संडे या उससे पहले। अल्लाह हाफिज़।